दोस्तों वैसे तो इन दिनों यहाँ सब कुछ बंद है, लेकिन अगर इसी बीच एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके हाथ आती है तो कितनी बढ़िया बात हो सकती है। यहाँ मैं उन भाई बहनों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेडिकल कोर्सेज किए हुए हैं, उनके लिए काफी सारी वैकेंसी आई हुई हैं। भले ही ये टाइम किसी के लिए अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है, जिन्होंने एलटी का कोर्स किया हुआ है, या फिर इससे संबंधित मेडिकल और पैरामेडिकल से संबंधित जो कोर्स किए हुए हैं उनके लिए काफी अच्छा ये टाइम है। और यहाँ काफी सारी वैकेंसी है जो मैं अभी आपके लिए लेकर के आया हूँ और सारी वैकेंसी एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल तो पदनाम आप सुन लीजिए जो जो वैकेंसी आपके लिए यहाँ है। सबसे पहली बात तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, यानी कि जीएनएम की वैकेंसी है। काफी सारे भाई बहनों के जीएनएम संबंधी वीडियोस में कमेंट थे, सर ये कोर्स तो बंद हो गया ना, और मैं लगातार ये 10वीं 12वीं ऐसी वैकेंसी बता रहा हूँ जो केवल जीएनएम के लिए निकली हुई है। तो मेरे भाई बहनों ये कोर्स बंद नहीं हुआ है, इसको लेडीज और जेंट्स दोनों ही कर सकते हैं, ये बात और ध्यान रखने की है। एएनएम तो फिर भी केवल मेरी बहनों के लिए ही है, लेडीज के लिए, लेकिन जीएनएम का कोर्स तो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए ही है और ये बंद नहीं हुआ है। और लगातार जितनी भी वैकेंसी आ रही है जीएनएम की ही आ रही है, स्टाफ नर्स की ही आ रही है। तो यहां इस वीडियो में मैं आपको जीएनएम की काफी सारी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में, फिर बताऊंगा हाउस कीपिंग की वैकेंसी के बारे में। ये भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, पद काफी सारे आए हुए हैं। इसके अलावा डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती भी है और उसके भी काफी सारे पद हैं। फिर हाउसकीपिंग और चौकीदार के पद भी हैं और भी काफी सारे पद हैं, सारे बताऊंगा। अब एक एक करके दोनों तीनों तरीके के पद और ये सारी वैकेंसी कहाँ किधर निकली है सबकी सब आपको बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ये दो काम जरूर कर लेना, इसमें कंजूसी मत करना, क्योंकि इसी तरीके की चीजें मैं आपके लिए इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। एक चीज और, इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आपकी ही साइट है, आप उस पर भी काफी सारी चीजें देख सकते हैं वैकेंसी संबंधित, और जो भी आपकी क्वायरीज हैं कोर्सेज संबंधित वो भी आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम दिल्ली के भाई बहनों के लिए जो दिल्ली के निवासी हैं, या तो या फिर जिन्होंने कोर्स कहीं से भी किया हुआ हो जीएनएम का लेकिन दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, या फिर जो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उनके लिए वैकेंसी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं, कौन सी वैकेंसी है और कितने कितने पद हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे और अदर स्टेट की वैकेंसी के बारे में भी, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हो ये वीडियो आपके लिए बड़ा काम का हो सकता है। तो दिल्ली की बात करते हैं सबसे पहले, तो दिल्ली में जो ये वैकेंसी निकली है आपके, इसका हम देखें तो ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसकी वैकेंसी है, ठीक है। तो वैकेंसी अच्छी है, आप ये मत देखना कि कहाँ है क्या है, और सबसे बड़ी बात इसकी जो डेट है वो भी अभी आपके पास है, 22 मई तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की डेट तो फिलहाल निकली हुई है, आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, 7 मई से शुरू हो गया है, 22 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन की डेट थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है। अब यहाँ वैसे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी हैं, लेकिन बात करेंगे हम यहाँ स्टाफ नर्स की भर्ती के बारे में, जिनको नर्सिंग ऑफिसर भी कहा जाता है, क्योंकि पदनाम चेंज करने की बात बहुत ज्यादा चल रही है, तो यहाँ नर्सिंग ऑफिसर भी इनको कहा गया है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी कुल पद हैं दिल्ली में 209। अब अगर आप अनरिजर्व से हैं, सामान्य से हैं, तो 87 पद हैं आपके लिए, और एससी कैटेगरी के लिए हैं 31 पद, ओबीसी वालों के लिए 56 पद हैं, और एसटी वालों के लिए पदों की संख्या है भाइयों 15। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से आरक्षण है, 20 पद यहां दिए गए हैं। इसी में आपके पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप्ट का भी शामिल है, पे स्केल बहुत अच्छा है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार 9,300 से 34,800 रुपए, यानी कि आपका ग्रेड पे 4,600 रहने वाला है, और ये मेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप अपने आवेदन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की। लेकिन आपका दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, साथ साथ जीएनएम कोर्स किया हुआ बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। अब इसके डिटेल भी आप देख सकते हैं लिंक पर जाकर के, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। फिर है आपके टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के पद हैं, जिनकी कुल संख्या है 98। अब देख लो कौन कौन से पद हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन के पद हैं 7, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के पद हैं 10, सीएसएसडी टेक्नीशियन के पद हैं 6, सीटीवीएस टेक्नीशियन के पद हैं कितने 8, डायलिसिस टेक्नीशियन के पद हैं 6, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी के पद हैं 3, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद हैं 23, ओटी टेक्नीशियन के पद हैं 23, अब आपके पल्मिनोलॉजी के पद 5 और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के 7 पद, कुल पद हैं आपके 98। अब इनकी गणना देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 43 है,
एससी के 15 हैं, ओबीसी के 27, एसटी के 7 और ईडब्ल्यूएस के 10 पद यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पद हैं। यहाँ भी आपको सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, यानी कि 5200 से लेकर के 20200 और आपका ग्रेड पे रहेगा यहाँ 2800। मेल आईडी दिया हुआ है, आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनकी योग्यता की, तो योग्यता इनसे संबंधित डिग्री डिप्लोमा ही होना चाहिए, बाकी डिटेल में आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अब बात कर लेते हैं, ये तो दिल्ली का था, अब बात कर लेते हैं पंजाब स्टेट में निकली वैकेंसी की, वहां भी काफी सारे पद हैं। दिल्ली पंजाब में ज्यादा दूरी नहीं है, इंटर एक्सचेंज भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन की। तो आप जिस स्टेट से भी आवेदन करें उस स्टेट में आपके डिग्री डिप्लोमा का कोर्स का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है आफ्टर कोर्स। अब बात कर लेते हैं पंजाब की, कहां कितने पद किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो पंजाब की बात करें तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस, इसमें पद निकले हुए हैं और इन पदों में भी अच्छी खासी संख्या है। जो सबसे ज्यादा है वो है आपके स्टाफ नर्स की, 985 पद है यार, काफी सारे पद हैं, कम नहीं है। फिर बात करें दूसरे नंबर पे तो हाउसकीपिंग के पद है 640, क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है इनकी भी। डीओ की बात करें यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 26 पद है और लैब अटेंडेंट के पद हैं 36, लेकिन लैब असिस्टेंट के पद भी हैं। लैब टेक्नीशियन के पदों की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के पद हैं यहाँ 58। तो अब एलटी के लिए आपको डीएमएलटी होना जरूरी है, और अगर लैब अटेंडेंट के आप अप्लाई करते हैं 36 पदों के लिए तो यहाँ भी आपको 12 प्लस डीएमएलटी होना जरूरी है। स्टाफ नर्स के लिए आपका जीएनएम किया होना चाहिए और पंजाब में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाउसकीपिंग के भी 640 पद है और चौकीदार के भी 19 पद है, यानी कि ये भी यहाँ पद है, तो ये काफी सारे पद है। और डीओ के लिए आपको डीओआईसी से डिप्लोमा होना जरूरी है ए लेवल वाला, तो ये पदों की संख्या, इनका भी डिटेल आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, क्योंकि वीडियो बनाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, आपका नेट भी काफी ज्यादा खर्च हो जाएगा। इसे बढ़िया मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको देखें, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें या उसको पढ़ें और उसके प्रिंट निकाल करके अच्छी तरीके से अपने पदों को गोला कर लें, चिन्हित कर लें, फिर इसमें आप आवेदन करें। तो इसकी डेट भी जो है काफी बढ़ा दी गई है, 23 मई तक इसकी लास्ट डेट है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ 1978 है, तो इस तरीके से पदों की संख्या भी यहाँ काफी ज्यादा है और डेट भी यहाँ एक्सटेंड हो गई है, यानी कि अभी एक तरह से माना जाए तो नई वैकेंसी मान सकते हैं इसको। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है, डिग्री डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है मेडिकल फील्ड में, पैरामेडिकल फील्ड में, उनके लिए काफी अच्छे पद है। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।